उत्तर प्रदेश के मेरठ में बसपा नेता हाजी याकूब पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मेरठ पुलिस प्रशासन ने पूर्व मंत्री की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर डाला है। हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटे खरखोदा में दर्ज मुकदमे में फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस के नोटिस और कोर्ट के आदेश के बावजूद तीनों में से कोई भी अभी तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ था। इसी के चलते बुधवार दोपहर को मेरठ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कोर्ट के आदेश पर याकूब की संपत्ति कुर्क करने पहुंचे पुलिस टीम ने उसके करीबियों और अधिवक्ता को मौके पर बुलाया। उनके सामने ही याकूब की कोठी में अंदर फोर्स के साथ प्रवेश किया। आपको बता दें कि खरखोदा के अलीपुर में बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे इमरान की मीट फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री पर 31 मार्च 2022 को मेरठ पुलिस प्रशासन की टीम पे छापेमारी की थी। सूचना मिली थी कि फैक्ट्री में अवैध रूप से मीट पैकेजिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने मौके से भारी मात्रा में फंगस लगा हुआ मीट भी बरामद किया था, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। इसी मामले में हाजी याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान फिरोज और पत्नी संजीदा बेगम समेत 17 लोगों पर खरखोदा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटे फरार हैं। फिलहाल हाजी याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए पुलिस ने पूर्व में कुर्की नोटिस याकूब की कोठी और फैक्ट्री पर चस्पा किया था। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय सत्य, जनता की आवाज़।